तो अर्थ मैग्नेटिज्म इसका लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी की बुकलेट है, पेज नंबर 70 के आसपास है। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ाया जाता है, हार्डली 2 पेज का टॉपिक है ये, उसमें से आधा अभी खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। अर्थ के मैग्नेटिज्म में ये पढ़ाया जाता है कि अर्थ इज अ मैग्नेट, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेट अगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा होता है जिसमें मैग्नेट का पोल साउथ ऊपर होता है और नॉर्थ नीचे होता है। ज्योग्राफी का नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। ज्योग्राफिक एक्सिस स्ट्रेट होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेटिक एक्सिस टेढ़ा होता है। ये आज टेढ़ा है, साइंटिस्ट बहुत देर से रिसर्च कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है मैग्नेटिक रॉक्स पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, उनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। उन रॉक्स को स्टडी किया जा रहा है कई 100 सालों से और ये देखा जा रहा है कि मैग्नेट का जो अर्थ का मैग्नेट का अभी ऐसे है और ये कई 100 सालों में टिल्ट होता जा रहा है, अर्थ के रोटेशन से मुड़ता जा रहा है और कई 100 साल के बाद आपको मैग्नेट उल्टा दिखेगा, हम नहीं रहेंगे पर ये बहुत सालों के बाद ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली अर्थ का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। पर आज पढ़ाई में यही है क्योंकि कई 100 साल बाद चेंज होना है तो हो जाएगा, अभी नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब रूल नंबर 1, इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बस ये मेजर करना है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये मेजर करना है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 10 टेस्ला है। तो मैंने किसी और से पूछा, वो अमेरिका में था, वो कहता वहां तो मैं जो खड़ा हूं 15 टेस्ला है। फिर मैंने किसी और कंट्री में, यहां तो 20 टेस्ला है। तो पहली चीज ये बताना कि अगर आप अर्थ का फील्ड निकालना चाहते हो तो अर्थ का फील्ड हर लोकेशन पर डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, राइट। तो अर्थ का फील्ड हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू, तो सबसे पहली चीज ये बताना आप खड़े कहां पर हो। तो पहला फैक्टर अगर अर्थ के फील्ड को एक्सप्लेन करना है तो पहले ये बताना चाहिए कि हम कहां पर अर्थ का फील्ड निकाल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अर्थ का फील्ड अगर बताना है तो वहां पर कितने टेस्ला बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी, पर बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बी के साथ में क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो 3 चीजें बतानी पड़ेंगी, आप कहां खड़े हैं, बी की नेट वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन क्या है बी की। तो अगर मैं ये 3 चीजें बताता हूं जो अर्थ के फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या हुआ, 3 चीजें बताना जिसे कंप्लीटली अर्थ के फील्ड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो पहली चीज है डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ये बताता है कि आप अर्थ की किस लोकेशन पे खड़े हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, फेमस नेम है एंगल ऑफ डिप, डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर डायरेक्शन। और तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब अर्थ का टोटल बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ये बताएगा। अब बताता हूं कैसे। सबसे पहले एक पॉइंट को समझें कि अगर ये आपके सामने अर्थ है गोल, ये स्फीयर, और मैं एक प्लेन लूं, इमेजिनरी प्लेन जो अर्थ को अर्थ के अंदर एंटर कर जाए, इमेजिनरी प्लेन जो अर्थ को के अंदर एंटर कर जाए कहीं से भी, उस प्लेन को इस चैप्टर में प्लेन नहीं बोलते, मेरिडियन बोलते हैं। तो मेरिडियन कुछ नहीं है, मेरिडियन प्लेन है। तो ये इसमें प्लेन्स की जगह मेरिडियन वर्ड यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ है और अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस बिल्कुल सीधा है, तो इमेजिन करें एक प्लेन जो बिल्कुल सीधा, इसे काट दे 2 हिस्सों में, वो इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, खत्म। ज्योग्राफिक मेरिडियन कुछ नहीं है, बस एक फिक्स कर लो, एक मेरिडियन, एक प्लेन फिक्स कर लो, सीधा इसमें से अर्थ को काट रहा है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, सिंपल है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन देखो क्या है, इसमें अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अर्थ के नॉर्थ, मैग्नेट के नॉर्थ से स्टार्ट होकर मैग्नेट के साउथ तक जाती है, ऐसे होता है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ऐसे बनती हैं, देखो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ऐसे बनती हैं, देखो ये मैग्नेट का क्या है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ये इक्वेटर है। नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, ऐसे जाएंगे,
ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे हर एंगल पे आती हैं। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हर एंगल पे आ रही हैं? आप एक धागा लो और मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट, उसको लटका लो। आप देखोगे जो लटका के ना, आपको ऐसे कभी नहीं दिखेंगे, वो ऐसे दिखेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स आई होंगी, ऐसे एंटर कर रही है, तभी तो मैग्नेट ऐसा है। पोल पे जाओगे ना, धागे से लटकाओगे, तो पोल पे मैग्नेट ऐसे लटकेगी, क्योंकि लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा एंटर करती है। इक्वेटर पे जाओगे सीधी दिखेगी, क्योंकि लाइन बिल्कुल प्लेन के साथ चलती है। कहीं और जाओगे तो टेढ़ी लटकेगी ऐसे। तो ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी एंगल पे आती है। ठीक हो गया। मान लो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से आ रही होंगी और ये एंटर कर रही है ऐसे, तो मैंने भी एक प्लेन लिया, इमेजिनरी प्लेन। उस प्लेन को जहां वो लाइन आ रही थी, जहां वो लाइन आ रही है, उस प्लेन को उसके अर्थ के अंदर मैं ले गया, और लाइन जहां लाइन इसके अंदर कंटेन किए हुए। कैसे? जैसे ये लाइन ऐसे आ रही है, तो मैंने एक प्लेन ले लिया, ये रहा प्लेन, ये रहा एक प्लेन, ऐसे ये लाइन ऐसे आ रही है, इस प्लेन, एक प्लेन इमेजिनरी लिया, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में हैं, वहां पर लाइन ऐसे आ रही है, तो आप प्लेन ऐसे ले लें, इमेजिनरी अंदर जाएगा अर्थ कैसे। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियंस है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जहां पर आप खड़े हुए हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और इट कंटेन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सोचो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस को फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, बीच में से अर्थ को काट दिया, उसको चेंज नहीं करूंगा, फिक्स है। मैं मैग्नेटिक मेरिडियन किसी और लोकेशन पे खड़ा हूं अर्थ के, वहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन अंदर जाके इसके साथ कुछ एंगल बनाए ऐसे, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थीटा। मैं अगर लोकेशन चेंज करूंगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन इस ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ फिर नया एंगल बनाएगा, तो डेक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। तो डेक्लिनेशन आपको यह बताते हैं आप अर्थ की किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं। हम डेक्लिनेशन में काम नहीं करते, क्योंकि हमको ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ रहे हैं कि अर्थ, अब तो वैसे भी जीपीएस आ गया, क्या डेक्लिनेशन करोगे करके, तो वैसी लोकेशन ढूंढ देगा। पर अदरवाइज पहले पुराने जमाने में डेक्लिनेशन एक्सप्लेन किया था, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि डेक्लिनेशन के को स्टडी हम करते नहीं है, ठीक है। पर हाँ, ये डिफाइन करना हो तो इट इज एंगल बिटवीन टू इमेजिनरी मेरिडियंस, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो लाइंस के साथ आएगा, और लाइंस हर एंगल पर डिफरेंट आ रही हैं, तो एंगल डिफरेंट ही बनेगा। तो ये एंगल बना हुआ है, चेक कर रहे हो, ये देखो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में कुछ ऐसा इमेजिनरी एंगल है। और अगर मैं अर्थ के साथ ये डायग्राम बनाऊं, तो पता है कैसा बनेगा? ये देखो, ये ऐसा बनेगा। अर्थ है, मैं अर्थ की लोकेशन पे खड़ा हूं, लाइन ऐसे आ रही थी, मेरिडियन अंदर एंटर कर गया, तो ये बी वेक्टर है, ये टोटल बी वेक्टर ऐसे, तो अर्थ के अंदर मेरिडियन चला गया, ऐसे इमेजिनरी है। तो क्लियर है यहां तक? तो अर्थ के अंदर चला गया, तो ये बी वेक्टर है, बी, और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी ज्योग्राफिक मेरिडियन में नहीं बनती, ये कहां पे बनती है? मैग्नेटिक में ही बनती है। तो अगर ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर ने, अब क्योंकि अगर मैं इसकी अर्थ बनाऊं, जैसे अर्थ मैंने बनाई ऐसे अर्थ बनाई, तो अर्थ जब मैंने यहां पर बनाई, तो उस केस में ये डायग्राम बना, तो उस केस में ये बी वेक्टर था, अर्थ के अंदर जा रहा है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है बी का। तो बी वेक्टर जो अर्थ के अंदर जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है यहां तक? तो जो टोटल बी वेक्टर है, उसने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बी वेक्टर का एंगल एंगल ऑफ डिप होता है। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे आपको बी की वैल्यू बतानी है, तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक बी की वैल्यू बताऊंगा और एक डेल्टा बताऊंगा जो उसकी डायरेक्शन देगा। तो जिन्होंने ये चैप्टर बनाया, उसने पहली चीज तो डेक्लिनेशन ले ली लोकेशन के लिए, उसने डेल्टा भी लिया डायरेक्शन के लिए, उसने बी क्यों नहीं लिया, उसने एच क्यों लिया? उसको लेना चाहिए था बी, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड में बी और डेल्टा आना चाहिए, उसने एच और डेल्टा क्यों लिया? क्यों? ने एंगल तो देखिए, एंगल तो डिप है, हम ज्योग्राफी में देख कर रहे हैं, मैग्नेटिक में बी वेक्टर बन गया, तो उसने डेल्टा लिया क्यों? मतलब डेल्टा तो गिवन है क्वेश्चन में, उसने एच, थर्ड नाम एच को इंपॉर्टेंस क्यों दी, सीधा बी क्यों नहीं लिख दिया? हाँ करता है, मैं ये क्यों, मतलब वो ये चाहता है कि मैं आपको एच की वैल्यू दूं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये वी है, ये एच है, तो टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय
एच, वो आपको एच दे रहा है, आपको डेल्टा दे रहा है, इससे आप वी निकालोगे, फिर उससे आप बी निकालोगे अंडर रूट ऑफ क्या, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर निकालोगे। कैंसिल तो किसे होंगे नहीं, तो एक ही वेक्टर है, नहीं है, नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां एग्जिस्ट करेगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे, और सरफेस ऑफ अर्थ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एच को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं एक मिनट में। अर्थ के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, और करेक्ट वैल्यू ऑफ एच कैन बी क्या, मशीन्स हैं हमारे पास जो एक मिनट में एच कैलकुलेट कर देंगी। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के अंदर गया, वो कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इसलिए किसका नाम लिया, एच का, एच। और डेल्टा निकालना वैसे ही आसान है, मैग्नेट को लटका दो धागे के साथ, आ गया डेल्टा, डेल्टा डेल्टा आ गया, एच निकाल लेगा तो अपने आप बी कैन बी कैलकुलेटेड। इसलिए इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज्ड है, टैन डेल्टा वी बाय एच, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक?